हमारा जेवर वापस दो, हमको न्याय दो। बैंक कर रहा आत्महत्या के लिए मजबूर, हाथों में बैनर और गले में रस्सी लेकर कानपुर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जीवन भर की कमाई गंवाने के बाद ये लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। बैंक के लॉकर से अपने जेवर गवा देने वाले पीड़ित कुछ भी करने को उतारू हैं, लेकिन उन्हें बस अपने जेवर वापस चाहिए। वो गले में फांसी का फंदा डालकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, अगर बैंक ने मुआवजा नहीं दिया तो इसी फंदे से आत्महत्या कर लेंगे। जब मैं गई तो लॉकर खुला था और बैंक वाले से पल्ला झाड़ रहे कि आपने लॉकर, आज मैं इसलिए कि अगर मुझे न्याय नहीं, मैं अकेले लड़ नहीं पाई तो मैं यहाँ पे चौराहे पे सब सेंट्रल बैंक वालों के साथ मिलके शायद मुझे न्याय मिल जाए, इसलिए मैं आज फांसी का फंदा लेकर मैं अपने आत्महत्या करने को, इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं सचमुच में आत्महत्या कर लूंगी। मेरे बुढ़ापे की जिंदगी का मेरा सब कुछ खत्म हो गया, इन लोगों ने बैंक वालों ने मेरा सब कुछ लूट लिया, अब मेरे जीने का सहारा ही कुछ नहीं। ये रोती आंखें और सिसकती आवाज इनके दर्द को साफ तौर पर बयां कर रही है। जीवन भर की कमाई खो देने का दर्द इनके चेहरे पर और बातों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। देवी गोस्वामी का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो अपनी जान दे देंगी, क्योंकि जिंदगी का सहारा तो सब कुछ चला गया। वही प्रदर्शन करते लोगों ने न्याय न मिलने पर आगे चलकर और भी बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। व्यापारी सिद्धार्थ ने कहा कि सेंट्रल बैंक में जिस तरह से चोरी हुई है, जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा सभी प्रदर्शन करेंगे और आगे चलकर और भी बड़ा आंदोलन होगा। लोगों में गुस्सा और नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। इतना क्रूर, इतना संवेदनहीन, ऐसा निर्मम कोई हमने किसी व्यक्ति को नहीं सोच सकते जिसके अंदर इतनी मानवता नहीं है कि जिसको उन्होंने पूरी तरीके से लूट लिया, जिसका उन्होंने लॉकर में डकैती डाली, खुद अमानत में खयानत करी, रक्षक होके भक्षक बने। आज 10 दिन से उनके मुंह में ऐसा कुछ भी कि इनके पास एक शब्द नहीं है आश्वासन का, भरोसे का, कि उस यकीन का जो हर आम भारतीय के अंदर बैंकिंग लॉकर व्यवस्था के ऊपर है, एक शब्द नहीं बोला है। उनके कानों में जू नहीं रेंग रही। RM साहब जो है आपके यहाँ के, विजय सिंह, जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो वो रिजर्व बैंक के आसपास कहीं पे बैठ के पार्टी कर रहे थे। बैंक कर्मचारी जिस तरह से पीड़ितों का अपमान कर रहे हैं, जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इतना दुखद है कि आंसू आ जाते हैं। इन लोग के आंसू सूख चुके हैं, इनकी आंखें पथरा चुकी है। कितना ये लोग कठोरता दिखाएंगे, किस तरह से करेंगे, किस तरह से इतना निर्मम व्यवहार करेंगे, आप लोग ये बात पहुंचाएं। हमें नहीं लगता कि मैं प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर तक ये बात पहुंचेगी। कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर से 11 लोगों के तो वहीं बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से एक व्यक्ति के जेवर गायब हो चुके हैं। करोड़ों के जेवर गायब होने में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पीड़ितों में किसी को भी कोई भी जेवर नहीं मिला। अब कानपुर की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है भगवान खेरेश्वर मंदिर चौराहे की, जहाँ बैंक से हुई चोरी के प्रदर्शन में लोग कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। बैनर पर लिखा है, दोषियों को कड़ी सजा की हम भीख मांगते हैं। दूसरे बैनर पर लिखा है, हम भीख मांगते हैं, हमारा जेवर वापस दो। एक तरफ अपने चोरी हुए जेवरों की भीख, तो दूसरी तरफ दोषियों पर कार्रवाई करने की भीख मांगते ये लोग सड़कों पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वही इनका कहना है कि इनके जेवर इन्हें किसी भी हाल में वापस चाहिए। हुए हैं भीख मांगने के लिए, कटोरे हाथ में लेके कि कोई हम लोग भीख दे, जो बैंक ने हम लोगों से जो लूट मार की है, हम लोगों का कंगाल कर दिया है, तो हम लोग सड़कों पे कटोरे लेके भीख मांगने के लिए खड़े हो गए थे कि हमको भीख दो। सेंट्रल बैंक से यही हम लोगों, ये है कि हम लोगों जल्दी भीख में हम लोगों जेवरात वापस करो। लाचारी, मजबूरी और अन्याय इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकती है। कानपुर में बैंक लॉकर चोरी कांड के पीड़ितों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कहीं गले में रस्सी डालकर प्रदर्शन, तो कहीं भीख मांगकर प्रदर्शन। अब इन्हें न्याय कब तक मिलेगा, ये भी देखना होगा। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट। और इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।